सर जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज सुबह उठा तो पता चला कि मेरा जो चार्जर है वो ख़राब हो गया है। सोचा कि चलो जाके अब चार्जर लेके आते हैं। तो यहाँ पे एक मार्केट है मीडिया मार्क, आपको उसका विज़िट कराता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी मार्केट है, तो उधर आया हूँ, अभी जा रहा हूँ, गाड़ी पार्क की है तो आगे चलते हैं। साथ साथ आपको एक मार्केट है इसका विज़िट करवाऊँगा। यहाँ की मार्केट है, काफ़ी रश है आज यहाँ पे, वीकेंड करीब है तो लोग जो हैं वो बाहर आते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए। काफ़ी सारे स्टोर्स हैं एम्स्टर्डम की। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं सॉरी ब्लॉकर, न्यूयॉर्कर कपड़ों का ब्रांड है ये, टीके मैक्स यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त क्लोथिंग ब्रांड। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे, -12 टेम्परेचर है, इसीलिए लोगों ने प्रॉपर जैकेटें वगैरह और ये वो चीज़ें पहनी हुई हैं, और लोग जो है वो फुल पैक होके निकले हुए हैं क्योंकि -12 टेम्परेचर। ये मैं मीडिया मार्क की तरफ जा रहा हूँ, और मीडिया मार्क से लेना है मैंने अडॉप्टर बेसिकली, क्योंकि चार्जर मैंने जो नया फ़ोन लिया है उसमें मुझे उन्होंने चार्जर नहीं दिया, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि जो सैमसंग के अब नए फ़ोन आ रहे हैं, जो भी नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें वो चार्जर नहीं देते। बहुत ज़्यादा ठंड है, जनवरी स्टार्ट हुआ है, इस दफ़ा स्नोफॉल नहीं हुई, नहीं तो नॉर्मली दिसंबर के लास्ट वीक में जो है ना स्नोफॉल हो जाती है नेदरलैंड्स में, लेकिन इस दफ़ा नहीं हुई। लेकिन पिछले 2-3 दिन से टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा माइनस में है, 6-8। यहाँ की लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब लोगों ने हर चीज़ प्लान की होती है ऑलरेडी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा उन्होंने वार्म जैकेट्स और ये वो चीज़ें ली होती हैं, लोग पैक होके निकलते हैं। समर सीज़न यहाँ पे थोड़ा कम ही होता है, तो फिर उस हिसाब से जो लोग हैं ना वो समर सीज़न की प्लानिंग कर लेते हैं। समर सीज़न रहता है कोई 1-2 वीक, इतनी ज़्यादा ठंड हुई है कि यहाँ पे हाथ में फ़ोन पकड़ना भी मुश्किल हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये यहाँ का एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है, जो कि पूरे नेदरलैंड्स को और पूरे यूरोप को कनेक्ट करता है। इसका नाम है एम्स्टर्डम बेलमर अरीना। अभी क्लोज़र लुक भी दिखाता हूँ, फ्रंट किस्म की शॉप्स भी हैं, फूड की शॉप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा ऑफिसेस का इधर उधर का एरिया है, सालसा शॉप्स और ये वो, जहाँ से आपको ये ग्रोसरी की और ये वो चीज़ें मिलती हैं। ये वो मेट्रो स्टेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था, एम्स्टर्डम बेलमर अरीना। ये लोकल ट्रेन्स, मेट्रो ट्यूब्स और ट्रेन्स जो यूरोप के अंदर चलती हैं, इन सब को पूरे सिटी से भी कनेक्ट करता है। ये इनका सेकंड बिगेस्ट जो है ना वो स्टेशन है, एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन के बाद। यहाँ से ट्रेन्स जो हैं पूरे यूरोप में जाती हैं, और काफ़ी बड़ा स्टेशन है, देखें आप। अभी तो फ़िलहाल मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। मतलब यहाँ से आप कहीं पे भी यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं। एक दफ़ा मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ से स्पेन के लिए उसने ट्रेन ली थी, ऑल दो चेंज करनी पड़ती हैं, लेकिन इट्स वेरी क्लोज टू द प्लेस जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जहाँ से मैंने अडॉप्टर लेना है। लोग यहाँ पे आते हैं, इन्होंने बिल्कुल करीब ही एक होटल बनाया हुआ है हैम्पटन हिल्टन, यहाँ पे बिल्कुल स्टेशन के साथ, बड़ा फिजिबल होता है आपके लिए। ये बहुत सारी साइकिलें जो नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये डच कल्चर है, यहाँ पे हर जो बंदा है ना, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो सर्दी है, चाहे जितना भी टेम्परेचर है ना, लोगों ने यहाँ पे साइकिलें लाजमी यूज़ करनी। आपको नेदरलैंड्स में जगह जगह साइकिलों के ऐसे ढेर नज़र आएंगे, ये पीछे भी हैं, वो आगे भी, प्रॉपर पूरा एक साइकिल स्टैंड बना हुआ है जहाँ पे ना जगह जगह पे साइकिलें खड़ी हैं। जैसे मैंने बताया कि ये ना एक डच कल्चर है, यहाँ पे लोग साइकिलें मस्ट यूज़ करते हैं। और ये वो मार्केट है जहाँ पे मैंने आना था, जिसके बारे में मैंने पहले बताया, मीडिया मार्क। ये नीदरलैंड्स की सबसे बड़ी जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है,
ये यहाँ से शुरू हो के वो एंड तक जा रही है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स की हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। क्वाइट एक्सपेंसिव लेकिन थोड़ा महंगा होता है। अभी मैं दिखाऊंगा कि मैंने सिर्फ एक अडॉप्टर लेना है, जो कि अगर आप इंडिया में, पाकिस्तान में, इधर उधर से कैसे खरीदें, आपको कितने का मिलेगा, मुझे कितने का मिलता है। ये नाम है इसका मीडिया मार्ट। चलो जी अंदर चलते हैं, इसके जाके डॉक्टर लेते हैं। ठंड बहुत है, वैसे भी सर्दी लग रही है। ये हम इसके अंदर आ गए हैं। ये सारी डिफरेंट किस्म की वायर्स लगी हैं, अडॉप्टर्स और केबल्स, और ये इनका एलसीडीज का सेक्शन है। क्रिसमस चूँकि अभी ख़त्म हुआ है तो उसकी अभी जो है ना वो चल रही हैं चीज़ें, सारी एलसीडीज में रखी हैं। भैया अभी हम जा रहे हैं ऊपर, जहाँ से मैंने लेना है अपना वो डॉक्टर, तो चल के देखते हैं। पूरा प्रॉपर एक स्टोर है ये, कॉफ़ी मशीन्स और ये वो हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ये जो है यहाँ पे हेडफोन्स हैं, डिफरेंट किस्म के सेक्शंस बने हुए हैं, बहुत बड़ा स्टोर है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको प्रॉपर अंदर से विज़िट कराऊँगा। मुझे लगता है अभी यहाँ पर वीडियो बनाने से शायद अलाउड नहीं है, मना करेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बना रहा। लेकिन मीडिया मार्ट स्टोर का नाम है, यहाँ से आप कोई भी चीज़ जो है ना वो बाय कर सकते हैं। ये आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो अडॉप्टर की प्राइसेस हैं वो क्या हैं। 49 यूरोस, और ये मैंने एक लिया है अडॉप्टर, एक छोटा सा अडॉप्टर 49 यूरोस का, मतलब सीरियसली। और इस टाइम 49 यूरोस आप अपनी अपनी करेंसी में खुद ही कैंसिल कैलकुलेट कर लें कि कितने बनते हैं। चलो जी अडॉप्टर ले लिया, वापस चलते हैं, इसको पे करते हैं और बैक टू होम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैनेडा का वीज़ा ऑनलाइन आपने खुद से कैसे अप्लाई करना है। पूरे स्टोर को ऑलमोस्ट मैंने फिर भी विज़िट करवा ही दिया है, वीडियो बनाना यहाँ पे अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा जो है। और अब मैं जा रहा हूँ नीचे, जो मैंने अडॉप्टर ख़रीदा है उसका पे करना है। थैंक यू, सी यू गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।